Hello students, welcome to Maths class. I, Vishali, your Maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. Today in this class, we are going to start chapter number 8 and the name of chapter is Comparing Quantities. Some basic terms I have written here. Ratio, percentage, ठीक है. उसके बाद converting fractional numbers to percentage, fraction numbers को हम percentage में कैसे convert करते हैं, decimals को percentage में कैसे convert करते हैं, और percentage को वापस decimals और fractions में कैसे convert करते हैं, ठीक है. और converting ratios to percent, ratios को percent में कैसे convert करते हैं, ये कुछ basic terms हैं जो आप previous class में भी पढ़ के आए हैं in class 7, ठीक है. देखिए ध्यान से, ratio का मतलब क्या होता है. रेशो मीन्स कंपेयरिंग एनी टू क्वांटिटीज. आपके पास कोई दो क्वांटिटीज है, उनको कंपेयर करना है, ठीक है. रेशो बताना है कि उन दोनों का कंपैरिजन क्या है. एग्जाम्पल, 2 रुपीज का रेशो 4 रुपीज के साथ, है ना. एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो रेशोज हैं, जब भी हम किसी दो क्वांटिटीज का रेशो फाइंड कर रहे हैं तो उन दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए. यहां पर ये भी रुपीज है और यहां पर भी रुपीज, है ना. अगर वो पैसे में होता तो ये भी पैसे, अगर वो कुछ नंबर ऑफ पर्सन हैं तो ये भी कुछ नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए थे. वो अगर स्पीड है तो ये भी स्पीड. तो जब हम दो सेम क्वांटिटीज का रेशो ले रहे हैं तो जो आंसर आता है वो यूनिट लेस आता है. मतलब रेशो की नो यूनिट, है ना. रेशो हैज नो यूनिट. रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, क्लियर. और ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है. जो भी कुछ कैंसिल हो रहा हो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्लियर. परसेंटेज का मतलब पर 100 में से कितना है कोई अमाउंट, है ना, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज. जैसे आपके मार्क्स भी होते हैं तो वो परसेंटेज में होते हैं ना, 70%, 45%, तो वो आउट ऑफ 100 ही हम कंसिडर करते हैं, क्लियर. जैसे 1% मीन्स 1 out of 100, और हम इसको बोल सकते हैं 100th. लिखते कैसे हैं, 1%. अब परसेंट के प्लेस में क्या आ जाता है, अपॉन में 100, है ना. यहां होता है 2%, तो क्या आ जाता है, 2 upon 100, तो 0.02 आ जाता. ये इसको हमने इस तरीके से लिखा और फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर. देखिए नेक्स्ट, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज. आपके पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है, 1 upon 3, 2 upon 5, 7 upon 9, या कुछ भी, क्लियर. आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको 100% से मल्टीप्लाई करोगे. तो 1 into 100 इज 100 आएगा मेरे पास, है ना. तो ये क्या आ जाएगा, 100 upon 3, और जब डिवाइड करेंगे तो 33:1/3%, क्लियर. ये हो गया फ्रैक्शनल नंबर्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दू, 2 upon 5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना. 100% दैट इज इक्वल टू 5 2s are 10, ये 0 एज इट इज, तो ये हो गया 40%. मतलब 2 upon 5 का क्या मतलब है, 40%, क्लियर. नेक्स्ट देखिए, डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं. सेम इसी तरीके से डेसिमल को 100% नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई, ऐसे ही डेसिमल को भी. तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 75%, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल्स और फ्रैक्शंस. अब परसेंटेज में कुछ गिवन है तो परसेंट हटाना है आपने और उसको डेसिमल या फ्रैक्शंस में लिखना है. तो परसेंट हटा के नीचे क्या आ जाता है, अपॉन में 100. अब 25 upon 100 का मतलब 1 upon 4, और 1 upon 4 को मैं डेसिमल्स में ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्लियर. आपको कुछ भी परसेंटेज गिवन है, आपको दे दिया 15%, और आपसे कहा जाए ये फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखोगे आप इसको, तो 15 upon 100. अब इसको आगे चेंज कर सकते हैं हम, है ना. 5 3s are 5 2s are 10, तो ये हो गया 3 upon 20, ओके. नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्टिंग रेशियोज टू परसेंट. अब रेशियोज को परसेंट में कन्वर्ट ना हम दो तरीके से करते हैं. मतलब आपसे एक तो ये पूछा जाता है, सपोज क्वेश्चन है कन्वर्ट 2/5 into percentage, ठीक है. ऐसे लिख दिया, या तो ये 2:5 into percentage, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 upon 5 एज इट इज, इसको 100% मतलब एज अ फ्रैक्शन ट्रीट करके और इसको 100% से मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने यहां किया था.
फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज में कन्वर्ट। ऐसे ही यहां करना है, 2/5 है उसको परसेंटेज में करना है, तो क्या करोगे, रेशियो है ना, इसको एज अ फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे और परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास 40%, सेम एग्जाम्पल कंसिडर हो गया ये पहले जैसे। इसके अलावा आपको और किस टाइप से कह सकता है कि सपोज एक क्लास है, क्लास में नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ गिवन है। सपोज दिस रेशियो इज 5:4। क्लियर, आपको इस तरीके से रेशियो गिवन है। अब या फिर हम इसको कुछ ऐसा रेशो मानते हैं जो कंसिडर कैंसिल आउट हो जाए। मैंने लिया 1:5, 1:4, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज का रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ गिवन है। अब आपसे वो ये पूछेगा कि बताओ गर्ल्स की परसेंटेज क्या है क्लास में और बॉयज की परसेंटेज क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, बॉयज की परसेंटेज के लिए फर्स्ट रेशो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड वाला गर्ल्स को, तो 1/ इन दोनों का सम और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 20%। ऐसे ही गर्ल्स के लिए क्या करोगे, 4 रिप्रेजेंट कर रहे गर्ल्स को, नीचे लिखते हैं टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 80%। ठीक है, 80 और 20 मिलके टोटल 100% हो गए। क्लियर, तो इस तरीके से आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, क्लियर, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 8.1। नाउ Let us move to exercise 8.1. Question number 1 is find the ratio of following. आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट इज स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 km/h टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 km/h। क्या कह रहा है ये, स्पीड जो है 15 km/h है, ठीक है, साइकिल की, और जो स्पीड है स्कूटर की वो 30 km/h है। तो आपको इन दोनों स्पीड्स का रेशियो फाइंड करना है। अब रेशियो के लिए आपका काम क्या है कि जो दो क्वांटिटीज गिवन है क्या उसकी यूनिट सेम है, 15 km/h में है और ये 30 की भी यूनिट क्या है, km/h, दोनों की यूनिट सेम है, दैट मींस इजीली हम यहां पर रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ए पार्ट में क्या करना है, मुझे रेशियो फाइंड करना है, तो स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर, साइकिल की स्पीड 15:30। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं 15 km/h और 30 km/h, बट रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है ना, क्योंकि दोनों सेम यूनिट्स में है, तो वो जो आंसर मिलता है उसमें मुझे कोई यूनिट नहीं मिलती। ठीक है, रेशियो इज यूनिटलेस। तो आपके पास आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 3s are 15, 5 6s are 30, तो यही आपके पास आंसर आ गया। क्लियर, सेकंड पार्ट देखिए बी, 5 m/10 km। अब यहां ये मीटर्स में है और ये किलोमीटर्स में है, तो किलोमीटर को मीटर में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 km = 10 × 1000 m, दैट इज 10,000 meters। क्लियर, अब मुझे रेशो चाहिए 5 m/10,000 m से, दैट इज, देखो दोनों मीटर्स में है तो ये यूनिट जो है कि मुझे आंसर में नहीं मिलती। 5 1s are 5, 5 2s are 10 और ये 3 0s एज इट इज, तो रेशो आ गया आपके पास 1:2000। ओके, सेम ऐसे ही इसका सी पार्ट देखिए, 50 paise to rupees 5। अब यहां ये पैसे हैं और ये रुपीज है, तो 5 rupees को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, 5 rupees = 5 × 100, दैट इज 500 paise। क्लियर, अब मुझे रेशो किसका चाहिए, 50 paise का 500 paise के साथ
रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अगेन यूनिटलेस आंसर आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फाइव वन जर फाइव, फाइव वन जर फाइव, जीरो एज इट इज, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, 1:10। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। आपको क्या करना है, रेशियो गिवन है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, यहां सिंपल बोल रहा है कि जो आपको रेशियो गिवन है उसी को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वरना आपसे और कैसे पूछा जा सकता है कि 3:4 तो दे रखा है लेकिन इन दोनों के अलग अलग बताओ कि ये कितना परसेंट है और ये कितना है ना, तो वहां उसका मेथड अलग है जैसे अभी हमने सीखा। क्लियर। देखिए इधर ए पार्ट 3/4 लिख सकते हैं हम इसे ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 100% निकालने के लिए, 4 1s 4 4 2s 8 and 4 5s 20, तो आंसर कितना आया 75%। क्लियर। बी पार्ट देखिए 2:3 परसेंटेज फाइंड करनी है, तो 2/3 × 100, 2:3 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से फॉर परसेंटेज। नाउ दिस इज इक्वल टू 200/3, दैट इज 3 6s 18, अगेन 3 6s 18, फिर से 2 कैरी बच गई, सॉरी 2 रिमाइंडर रह गया मेरे पास और नीचे 3। क्लियर। तो मेरे पास ये आ गई परसेंटेज। ओके, तो आपके पास जब भी रेशियो गिवन हो और बोला जाए कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, गिवन रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज मिल जाती है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, एक फुटबॉल टीम 10 मैचेस जीत रही है ना, फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी मैचेस खेले उसमें से 10 उन्होंने जीते हैं। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, मतलब जो उनकी विनिंग परसेंटेज है वो गिवन है 40%, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे देखो टोटल नंबर ऑफ मैचेस पूछे हुए ना, कि कितने टोटल मैचेस थे जिसका 40% वो जीत रहे हैं, लेकिन उसका जो 40% है मींस जितने वो जीत रहे हैं वो है कितने, 10 है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लेट करो टोटल नंबर ऑफ मैचेस को, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू एक्स, विनिंग मैचेस 10, ठीक है। अब गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास क्या होना चाहिए, 40% जीत रहे हैं वो, लेकिन किसका, टोटल का, बट है कितने ये जीते हुए मैचेस, 10। तो यहां से अब हम x को फाइंड कर लेते हैं, 40/100 परसेंटेज हटा के अपॉन में 100, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 10, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 2s 4 2 5s 10, नाउ x इज इक्वल टू 10, देखो 2/5 है वहां जाके रेसिप्रोकल 5/2, तो 2 5s 10, दिस इज इक्वल टू 25, तो टोटल मैचेस कितने थे इज इक्वल टू 25। क्लियर। टोटल मैचेस मान लिया हमने कि x है लेकिन वो जीत रहे हैं टोटल 10 मैचेस, अब ये 10 किसके इक्वल है, परसेंटेज में भी तो गिवन है 40% ऑफ टोटल, तो 40/100 × x इज इक्वल टू 10, यहां से x की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर। नाउ जो आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे, स्टिल अगर आपको डाउट होगा तो आप उनसे कंसल्ट कर लेना। नाउ लेट अस डू सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 60% पीपल क्या करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल, सॉरी व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, अदर गेम्स जो है वो कितने लाइक करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 lakh, देन फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच ऑफ द गेम। परसेंटेज में हमें गिवन है, हमें एग्जैक्ट नंबर्स बताने हैं कि कितने हैं ऐसे पर्सन। क्लियर। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो
जो अदर पर्सन है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक अदर गेम्स इज इक्वल्स टू, देखो टोटल मेरे पास होते हैं 100%, है ना, उस 100% में से हम ये दोनों माइनस कर देते हैं, मीन 60 और 30 का सम, 60% प्लस 30%, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 100% माइनस 90% दैट इज 10%। 10% पीपल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अदर गेम्स को लाइक कर रहे हैं, क्लियर। आप ध्यान से देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 50 लाख है, तो हम 60% निकाल लेते हैं 50 लाख का, 30% निकाल लेते हैं 50 लाख का, और 10% निकाल लेंगे 50 लाख का, तो वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईच ऑफ दीज गेम्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक, सबसे पहले क्या है, क्रिकेट इज इक्वल्स टू 60% ऑफ 50 लाख, 50 लाख को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। देन दिस इज इक्वल्स टू 60/100 इंटू 50 लाख, ये टू जीरो कैंसल, सो यू विल गेट, ध्यान से देखिए मेरे पास 6 × 5 = 30, और ये जीरोज एज इट इज 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। देन आपके पास देखिए 5 जीरो तो एज इट इज रह गई ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 × 5 = 30, मींस 30 लाख पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट निकाल लीजिए, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल वाले कितने आ जाएंगे, फुटबॉल वाले कितने हैं, 30%, यानी कि 30/100 इंटू 50 लाख, ये 2 जीरो से फिर से 2 जीरो कैंसिल, 3 × 5 = 15 और ये 4 जीरो एज इट इज, क्लियर। तो इतने पर्सन हैं जो क्या लाइक करते हैं, फुटबॉल को, और बच क्या गया मेरे पास, अब उसने अदर गेम्स वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो अदर गेम्स का देखिए मैं यहां लिख रही हूं, अदर गेम्स के लिए क्या आ जाएगी मेरे पास, नंबर ऑफ पीपल अदर गेम्स 10% आए थे हमारे पास, तो 10/100 इंटू 50 लाख, 2 जीरो से अगेन 2 जीरो कैंसिल, सो यू विल गेट 4 जीरो और एक ये वाली, मींस 5 लाख, क्लियर। तो 5 लाख हमारे पास ये आ गए, ऐसे ही नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक क्रिकेट आ गए, और ऐसे ही फुटबॉल, क्लियर। तो मुझे यही फाइंड करना था कि एक तो परसेंटेज कितनी है जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं, तो हमने उन दोनों परसेंटेज को, टोटल होता है 100%, 100 में से माइनस कर दिया, ठीक है, और फिर बाद में सबके अलग अलग नंबर ऑफ पीपल निकाल लिए, ठीक है। नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, थैंक यू।